राजस्थान के भरतपुर शहर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। यहां कार्यकर्ताओं से राय सुमारी करने पहुंचे संभाग कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री भजन लाल जाटव और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सामने ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। मंत्री भजन लाल जाटव जैसे ही सभा को संबोधित करने लगे तभी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए नारेबाजी की और मंत्री को चोर तक कह डाला। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ और साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच कलह भी पूरी तरह से सामने आई। सभा में सचिन पायलट के नारे लगाए गए। वहीं सचिन पायलट गुट के पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी सरकार को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इलाके में आमजन के काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने वहां बैठे राज्य मंत्री भजन लाल को भी आड़े हाथों लेते हुए कह डाला कि मैंने भजन लाल को जिताने के लिए गांव गांव जाकर झोली फैलाकर वोट की भीख मांगी थी, लेकिन आज वह सरकार में मंत्री हैं फिर भी जिले के काम नहीं हो पा रहे हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे तो अंत क्या होगा ये आप भी जानते हो, हम भी होगी और ये लल्लू चप्पू वालों की या सिफारिश वालों की अगर पदोन्नति होगी तो सीताराम हो जाएगी। इससे ज्यादा साफ शब्दों में वहीं जैसे ही भजन लाल जाटव अपना भाषण देने लगे तभी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। उधर विश्वेंद्र सिंह ने बगावत की पुरानी बात उठाते हुए कहा कि पहले जो हादसा हुआ वह सत्ता और संगठन में तालमेल की कमी थी। वह उन्होंने वहां मौजूद राज्य मंत्री जाटव को आईना दिखाते हुए कह डाला कि आपको जिताने के लिए मैंने वोट के लिए लोगों से भीख मांगी थी, लेकिन आप मंत्री बनकर जिले को ही भूल गए। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट यहां सभा के दौरान देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी फूट भी देखने को मिली। पायलट गुट के नेताओं ने सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और कार्यकर्ताओं ने भी काफी हंगामा खड़ा किया। कांग्रेस के संभाग प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस में सभी एक हैं और सभी को अपनी अपनी राय देने का अधिकार है। जो यहाँ के लोगों की भावना जानी है उनसे मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। खबरों के लिए बना रहे नवा टाइम्स.com पर।